हार्दिक पटेल ने ईवीएम पर उठाए सवाल। गुजरात से अभी तक 182 रुझान मिले हैं। भाजपा 106 सीटों पर आगे चल रही है तो कांग्रेस 70 सीटों पर बनी हुई है। अन्य लोगों के हाथों में अभी तक 6 सीटें लगी हैं। इन सब रुझानों के बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो है देश के कई हिस्सों में चुनाव परिणाम आने से पहले ईवीएम को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ईवीएम की अर्थियां निकाली जा रही है। एक और पार्टी दल नेता हार्दिक पटेल 5000 से ज्यादा ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का कहना है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ ना होती तो कांग्रेस ही जीतती। हार्दिक ने रविवार को ट्विटर पर लिखा कि अगर भगवान की ओर से बनाए गए शरीर से छेड़छाड़ हो सकती है तो ईवीएम मशीन से क्यों नहीं, उसे तो इंसान ने ही बनाया। यदि एटीएम हैंग किया जा सकता है तो ईवीएम मशीन क्यों नहीं। हार्दिक पटेल ने यह आरोप लगाया कि जनजातीय इलाकों में ईवीएम शोर स्कोर का इस्तेमाल करना हैंग करने की कोशिश की गई है। ईवीएम को लेकर हमेशा जो सवाल बार बार खड़े हो रहे हार्दिक पटेल ने एक बार फिर पूरी चुनावी प्रक्रिया को लाकर शंका के घेरे में खड़ा कर दिया है। देश के हर कोने में जनता का ईवीएम के ऊपर से उठता भरोसा कहीं ना कहीं आपको हम सबको यह सोचने पर मजबूर कर रहा है, क्या ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुई है। ये थी ऐसे न्यूज की रिपोर्ट।